Can you see me, hear me? Are we live? Good morning, good morning. बताओ जरा, टाइप करके बताओ. Are we here? Are we all here? Good morning बच्चों, very good morning, good morning, good morning. Good morning. Good morning Sarabjit, Anjali Shukla, Rupashi, Rama, Riya. Welcome, welcome to the session. Welcome. Achal, hello ma'am. हेलो मैम फिर से, हाय आंचल, हाय सौम्या फिर से, शाहिद, हिमांशु, अर्चना, दीक्षा, हाय, हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग. जल्दी से जल्दी से जल्दी से दिखा दो कौन कौन है यहाँ पे, देखते हैं. दीक्षा, परमजीत, गरिमा, हाय हाय, अपूर्वा, सचिन, मनस्विनी, आयशा, मनस्विनी अगेन. मैम व्हाई डू यू लाइक बायोलॉजी? I am in love with biology. I don't know why. I don't have an explanation for that, but yeah, I do love biology. Yeah, hi, hi. चलो 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 कुछ शेयर करते हैं. चलो, अच्छा मैंने भी ब्रेकफास्ट किया. चलो फटाफट से बताओ क्या क्या खा के आए हो तुम ब्रेकफास्ट में. जल्दी जल्दी बता दो, जल्दी जल्दी जल्दी. फिर से जिसका मुझे अच्छा लगेगा ब्रेकफास्ट का नाम है यहाँ पे अनाउंस कर दूंगी उसका नाम. चलो जल्दी जल्दी. रूपाशी कह रही है मैम गॉड ब्लेस यू. थैंक यू रूपाशी, थैंक यू सो मच. कुछ नहीं खाया मैं. परोठा क्या होता है भाई? पराठा होता है, परोठा क्या? समोसा. होय होय, सुबह 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 समोसे कौन खाता है भाई? आलू के पराठे, रोटी, मिल्क. हेल्दी ब्रेकफास्ट. सैंडविचेस, ओह नाइस, ओके. छोले भटूरे भाई. अमन विश्वास भाई यहाँ भिजवा दो दिल्ली, हैं हम भी खा लेंगे. दलिया, आशु दलिया, मैंने भी दलिया खाया, ठीक है. दूध बिस्किट, दीक्षा कह रही दूध बिस्किट खाया. आलू चाट, अभी सुबह सुबह चाट कौन खाता है यार? क्या क्या मजाक कर रहे हो यार तुम? पोहा, पोहा अच्छा. टी बिस्किट, टी बिस्किट भी बढ़िया है. अच्छा. आदिल अहमद कह रहा है एप्पल, एन एप्पल अ डे कीप अ डॉक्टर्स अवे. चलो ये तो बहुत बढ़िया हो गया. चलो बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया. तो चलो भैया वेलकम वेलकम. मैं भी सबने अच्छा ब्रेकफास्ट किया. मैं सबका ही नाम ले दिया ऑलमोस्ट, हैं ठीक है. तो हाँ चलो चलो शुरू करते हैं, क्लास शुरू करते हैं. खैर दोस्तों का सर खाया नालायक. खैर दोस्तों का सर खाया बेवकूफ. चलो ठीक है, चलो ठीक है, चलो 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 शुरू करते हैं शुरू करते हैं. तो मैंने दलिया खाया और मैंने शेक पिया. आई लव शेक्स. तो अच्छा, तो बेटा ये तो हुई हमारे खाने पीने के बाद. खाना ज़रूरी है बहुत, क्योंकि जब तक खाएंगे तो दिमाग चलेगा कैसे. खाना और सोना दोनों ही ज़रूरी है, ठीक है. चलो तो चलते हैं एनिमल किंगडम, और आज हम लोग कॉर्डेटा तक पहुंच जाएंगे. सो दिस इज़ मी मीनाक्षी शर्मा, माय नेम इज़ मीनाक्षी शर्मा एंड आई एम योर बायोलॉजी एंड ज़ूलॉजी फैसिलिटेटर, ट्यूटर, टीचर फॉर दिस सेशन एंड फॉर द 22 एज वेल, 2022 as well, and I've done my MSc honors in zoology, and the slides for today has been made by Sunil sir, so thanks to him. And let us just begin, guys. Chalo. So if you are new to the channel, you know the work. Subscribe, bell icon, all videos. You have to do that. Then you win the Vedantu T-shirt. Sorry, you join the Telegram. Oh, आज मैं 11th वालों के लिए भी क्वेश्चन पोस्ट करूंगी, ठीक है. तो बी ऑन द टेलीग्राम एंड अदर सो मेनी इन्फॉर्मेशंस आर देयर. स्पेशल दिवाली ऑफर, ये आई लव दिवाली, आई लव दिवाली. हु लव्स दिवाली? जल्दी से हार्ट बना के फटाफट से बता दो मुझे कौन, और फटाफट से सेशन को लाइक कर दो. पहले तो लाइक कर दो यार, इतना तो बनता है यार, लाइक कर दो. चलो चलो जल्दी से हार्ट बना के. हु लव्स दिवाली? मी मी मी. चलो चलो चलो. Okay, so you can avail the 50% discount. Okay, I can see so many hearts here. And MS Pro, use the code MS Pro here and avail the discount. Yay! Understand the Vedantu NEET Pro subscription. So these are the benefits, and this is what you're going to get. Okay, so many people love Diwali. Very good, shabash. तो ये आपके बेटा Pro subscription के फायदे आ गए. So दोनों ही language में आपको मिलेगा, टॉट इन इंग्लिश एंड हिंदी बोथ। डाउट सॉल्विंग भी रहता है, मास्टर टीचर इंटरेक्शन, 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, फुल एक्सेस टू ऑल लाइव क्लासेस। या you want to take for 1 month, you have to use the code MS Pro and you can get that 3 months this and 6 months this. Okay, so what are you waiting for? Use the code MS Pro and use this and you will be guided to this window. You can take the subscription. Okay, so this is the schedule for today. I wanted to have a look. हम लोग यहाँ पे हैं, अभी यहाँ चल रहे हैं, उसके बाद सर का सेशन है, सुनील सर का, फिर दिन सचिन सर का, देन मैम का सेशन है, देन अरविंद सर का सेशन है। ओके, चलो 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 आगे चलते हैं एंड देयर यू गो। अब हम बात करेंगे, कल हमने कहाँ तक किया था बेटा, कल हमने कहाँ तक किया था, कल हमने किधर तक किया था? जल्दी से लिख के बता दो, तुम्हें पता तो चले तुम पढ़ भी रहे हो या बस ऐसे ही चल रहा है। चलो जल्दी से बता दो, कल हमने कहाँ तक किया था? नेमेटोडा, एस्केलमिन्थिस तक किया था। मतलब कि एक हमारा रह गया है, एनेलिडा रह गया। सो एस्केलमिन्थ तक क्या था ना? Prince charming charms, plays awesome attractive music cause he eats heated chocos. Yeah, so एनेलिडा बचा है अभी। हाँ ठीक है, प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स, हाँ उसको याद रखो, सब याद रहेगा। चलो चलते हैं चलते हैं, चलो। सो अभी आर्थ्रोपोडा हम शुरू कर दिया है हमने, तो हम पहले एनेलिडा कंप्लीट कर लेते हैं, देन उसके बाद सो उसके लिए शायद मुझे एक स्लाइड इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। सो लेट अस जस्ट डू दैट एंड हम इसको लिख के ही कर लेते हैं, बिकॉज मुझे लगा था कि ये हो गया है इसलिए मैंने नहीं किया, तो कोई बात नहीं, हम लिख के कर लेते हैं, क्या फ़र्क पड़ता है, ठीक है। तो चलो बेटा शुरू करते हैं आज का लेक्चर। ओके ओके, सो क्या था? फाइलम एनेलिडा। सो एनेलिडा की बेटा बहुत सी खासियत है। एनेलिडा की क्या खासियत है? दैट नंबर 1, फटाफट से, तो अभी इसकी ना यूनिक फीचर्स है वो तुम बताओगे। एनेलिडा फाइलम में मुझे बताओ बच्चा कि सिमेट्री क्या थी? व्हाट वाज द सिमेट्री? Is what asymmetry, radial या bilateral? Quickly जल्दी बता दो, जल्दी बता दो, quickly quickly। Bilateral, very good very good, bilateral symmetry। So bilateral symmetry थी इसकी, इस साथ नोट करते जाना, या फिर तुम्हारे पास नोट्स हैं तो उसमें ऐड करते जाना। Bilateral symmetry, फटाफट से मुझे ये बता दो। हाँ bilateral symmetry थी, और germ layers कितनी थी? कितनी germ layers थी? Quickly germ layers कितनी थी? जल्दी से लिख के बता दो, देखते हैं कौन विनर है। And we have the winner here, Anushree, very good Anushree। So germ layers हैं आपकी ट्रिप्लोब्लास्टिक है बेसिकली, तो 3 germ layers हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है, तो भूलना नहीं है इसको, ठीक है। नंबर 3 आ गया आपका। germ layers के बाद सीलोम, सीलोम बताओ सीलोम कौन सी थी इसमें? सीलोम सीलोम सीलोम, जल्दी 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 क्विकली, लेट मी सी ट्रू सीलोम। रौनक हियर, वी हैव द विनर इन द हाउस, रौनक कुमार। ओके, रौनक कुमार कह रहा है कि बच्चे उसका ट्रू सीलोम था। सो दे वर ट्रू सीलोमेट्स। व्हाट वर दे? दे वर ट्रू सीलोमेट्स। तो एक्चुअली दे वर द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू हैव द ट्रू सीलोम। इससे पहले एसीलोम था, फिर स्यूडोसीलोम आया। तो एनेलिडेंट्स नोट करके रख लो, ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आ जाते हैं घुमा फिरा के, है ना, सीधा भी आ सकता है पर घुमा फिरा के आएगा ये, कि ट्रू सीलोमेट्स पहली बार कौन थे। और इसका सबसे बड़ा जो फीचर है दैट इज सेगमेंटेशन। सो सेगमेंटेशन में बता दूं बेटा आपको, सेगमेंटेशन का क्या मतलब है? मेटामेरिज्म। मेटामेरिज्म जो है वो इसका फीचर्स है। मेटामेरिज्म क्या है? कि बॉडी इज डिवाइडेड इनटू सेगमेंट्स। तो बॉडी क्या है? सेगमेंट्स में डिवाइडेड है। यू गॉट दैट? सो बच्चे ये हो गया आपका सेगमेंटेशन, मेटामेरिज्म। नंबर 5 हो गया आपका, हाँ 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 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, शाबाश, सब लोग लिख रहे हैं, सब लोग लिख रहे हैं, वेरी गुड। अच्छा मुझे ये बता दो फटाफट से कि अर्थवॉर्म में कितने सेगमेंट्स होते हैं? अर्थवॉर्म इसका एग्जाम्पल है ना, पता ही तुम लोगों को। अर्थवॉर्म में कितने सेगमेंट्स होते हैं? हाँ हाँ जल्दी बताओ जल्दी बताओ, अर्थवॉर्म में कितने सेगमेंट्स होते हैं? जल्दी बता दो। एंड वी हैव द विनर इन द हाउस, विनर इन द हाउस हेमंत कुमार। 100 to 120 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और आपको मिलता है वेदांतों की तरफ से गिफ्ट हैम्पर, ये लो ठीक है, सो 100 and 120 इज द राइट आंसर, तो उतना होता है। अच्छा, एक पॉइंट मैं यहाँ पे हाईलाइट करना चाहती हूँ जो कि नीट में पूछा जा चुका है और चांसेस है कि दोबारा पूछा जा सकता है। क्या अर्थवॉर्म, अर्थवॉर्म जो है ना बेटा, दैट वाज द फर्स्ट ऑर्गेनिजम्स टू शो, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म, जिसको पता है वो लिख के ही बता दो फटाफट से, फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो, क्या फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो कौन सा सिस्टम, कौन सा सिस्टम, कौन सा सिस्टम, हाँ कौन सा सिस्टम, जल्दी बता दो। एंड वी हैव द विनर इन द हाउस, विनीता इज द विनर। फर्स्ट ऑर्गेनिज्म टू शो द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम, द क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। सो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लेना, क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके जो है वो ब्लड वेसल्स में फ्लो करता है। वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, इसके अलावा, इसके अलावा, इसके अलावा बेटा क्या होता है, इसमें ऑर्गन्स जो होते हैं एक्सक्रीशन के लिए, जो ऑर्गन होते हैं वो कौन से होते हैं, इसके ऑर्गन्स होते हैं, इसके होते हैं नेफ्रीडिया। ठीक है, इसके कौन से ऑर्गन्स होते हैं, नेफ्रीडिया। सो नेफ्रीडिया आर द ऑर्गन्स जो कि इसके ऑर्गन, ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना, तो चलो अभी हमने मेन इसका डिस्कशन कर ही लिया है। बाकी अगर इसकी बॉडी देखें तो अर्थवॉर्म इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जल्दी बताओ, अर्थवॉर्म इज यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। सो जेंडर की बात करें, सो अच्छा बताओ बताओ, यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल, जल्दी बता दो। इट इज बाइसेक्सुअल, इट इज बाइसेक्सुअल। सो बेसिकली दे आर हर्माफ्रोडाइट। क्या है, हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, दैट मीन्स एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन जो है वो प्रेजेंट हैं। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल, डेवलपमेंट कुड बी डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, बोथ, बट मोस्टली इट इज डायरेक्ट। ठीक है, सो दैट इज ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ द फाइलम एनिलिडा। ठीक है, यहाँ पे इतना ही इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट है इसके एग्जाम्पल्स, एग्जाम्पल्स की तरफ हम चलते हैं। आई थिंक आपने नोट कर लिया होगा या आपने ऐड कर लिया होगा, तो मैं इसको मिटा रही हूँ बेटा यहाँ से। तो एग्जाम्पल्स की अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल, चलो कुछ कुछ मैं भी लिखूंगी, कुछ कुछ तुम भी लिखना एग्जाम्पल, तो जो तुम्हें आता है फटाफट से लिख के बता दो, चलो जल्दी आओ। फॉर एग्जाम्पल पहला है आपका अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म किसको पता है भाई, अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम किसको पता है, जल्दी बता दो, हाँ जल्दी बता दो। मैं हिंट देती हूँ, पी और पी, पी और पी। ओके, सो मेनी, ओके हिरुडिनेरिया, चलो आप हिरुडिनेरिया बोल रहे, मैं हिरुडिनेरिया लिख लेती हूँ। हिरुडिनेरिया, हिरुडिनेरिया भी है, लीच मतलब, और फेरिटिमा पोस्थुमा, हेमराज, वेरी गुड हेमराज, वेरी गुड। सो फेरिटिमा पोस्थुमा, फेरिटिमा पोस्थुमा, सो दिस इज द नेम ऑफ द अर्थवॉर्म बेसिकली। सो फेरिटिमा पोस्थुमा, हिरुडिनेरिया इज अनदर एग्जाम्पल, नेरीज इज वन एग्जाम्पल एज वेल। ठीक है, नेरीज इज ऑल्सो। सो अर्थवॉर्म, सैंडवॉर्म, ठीक है, आपका ये कैटल लीच, ये सारे के सारे क्या हैं बच्चे, आपके फाइलम एनिलिडा के एग्जाम्पल्स भी हैं। मैं आपको ना एक बात बताती हूँ, इसके बारे में एक स्टोरी सुनाती हूँ तुम्हें। एक्चुअली क्या हुआ, हिरुडिनेरिया एक लीच है ना, ये सिक्रेट करती है हिरुडिन, एक कंपाउंड है। सो हिरुडिन इज बेसिकली व्हाट, इट इज एंटीकोगुलेंट। क्या है ये, एंटीकोगुलेंट है ये। अब क्या हुआ, मैं मेरी बहन जब छोटे थे तो हम लोग क्या किए कि हम लोग ना मम्मी के साथ, एक ऐसा होता है ना कि मम्मी के साथ चले गए कहीं पे कि चलो यार चलते हैं, तो घूम के आए मम्मी के साथ। तो छोटे छोटे थे, 7th में मैं थी, 6th में वो पढ़ती थी। और जैसे मम्मी दोपहर में सो रही है और हम लोग क्या किए, हम लोग खेलने निकल गए। अब आपको पता है पहाड़ों में लीचेस बहुत ज़्यादा होती हैं। तो हम क्या किए, हम ना एक वहाँ पर ना एक छोटी सी वो नहर बह रही थी है ना पानी की, हम क्या किए उसमें छपाक ते कूद गए उसमें, और मज़े आ गए, मज़े आ गए। कितने लोगों ने ऐसा किया है, ऐसे यार मम्मी से छुप के भागे हैं खेलने, तो हम तो बहुत भागे दे, मतलब पूरे कपड़े पानी से, और छप 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 जाए, 4-5 लोग औरों को भी मिला लिया साथ में, चलो भाई मज़े आ रहे, मज़े आ रहे, बहुत मज़े आ रहे। तो पूरे कपड़े गीले, अब क्या करें, अब शाम हो गई, अब याद आई यार घर जाना पड़ेगा। अब तो मम्मी पता नहीं यार, अब तो बेटा गए, अब तो यार चप्पल से मार पड़ेगी बेटा। तो वो सब तो ठीक था। अब क्या हुआ, जैसे हमने डरते डरते घर पहुंचे मतलब रिश्तेदारों के घर जहाँ गए थे है ना, सो रिश्तेदारों के घर पहुंचे और मम्मी पहले से घूर घूर के देख रही है। तो बेटा आज तो मार पड़ेगी। प्रिपेयर तो थे मेंटली ना, जब तुम्हें पता तुमने गलती करी तो तुम प्रिपेयर होते। बेटा पढ़ने वाली है आज, आज बेटा चलो, आज तो बेटा खैर नहीं है, चलो ठीक है। क्या हुआ क्या हुआ कि जैसे ही मम्मी आई ना, मैं ऐसे 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 करके, अरे क्या कहते हैं, देखा कि मम्मी ऐसे चिल्लाने लग पड़ी। क्या नीचे एकदम पूरा है ना, उस जहाँ पे हम लोग खड़े थे दोनों, वहाँ पे एकदम ब्लड हो गया। सो ऐसे देख रहे हैं, भी क्या हो गया, मैं भी ऐसे देख रही हूँ क्या हुआ भाई, ये क्या हो रहा है क्या हो रहा है। तो देखा मेरी बहन की टांग पे, ठीक है ना, लीच वॉज स्टक। सो लीच उसको ऐसे पकड़ के खड़ी थी। तो ये लीच ने क्या किया है पता नहीं चलता है इसका, लीच का तो ऐसे ना वो करके पकड़ी हुई थी। और क्योंकि ये देखो ना, फिर बाद में कही, तो खैर मुझे बाद में पता लगा कि हीरोडीन वाली क्या कहानी है। हीरोडीन इज एक्चुअली एंटीकोगुलेंट। तो उसने वो सक कर रही थी ब्लड वहां से, और एंटीकोगुलेंट रिलीज कर रही थी, और सारा का सारा वो इधर उधर ब्लड। भाई साहब एक बात तो अच्छी हो गई कि हम बच गए मार पड़ने से। चलो भैया शांति बढ़ गई, ठीक है एक बात तो अच्छी होगी। लेकिन दूसरी बात क्या है कि फिर पता नहीं, फिर मेरी बहन अचानक से रोने लग पड़ी है। तो उसके बाद फिर खैर उसको खींचना पड़ता है, बहुत ज़ोर से वो अटकी होती है। पता नहीं तुम लोगों में से कितने लोगों को ऐसा एक्सपीरियंस है लीच का, बट होता है ऐसा। तो ये स्टोरी थी। तो खैर अच्छी बात हुई कि बच गए, ठीक है। और दूसरी बात है कि वो लीच भी मैंने पहली बार देखा कि उसका ऐसा एक्शन होता है। तो खैर बड़े होके मुझे पता चला कि ऐसा क्यों होता है। तो तुमने भी इसको भूलना नहीं है, ये क्यों होता है, ये हीरोडिन की वजह से होता है, क्योंकि वो एंटीकोगुलेंट है। तो इसलिए क्या करता है, वो फटाफट से फटाफट रिलीज करती है कि भाई मुझे कोई दिक्कत ना हो, मैं पूरा खाना खाऊंगी अपना, पूरा ब्लड सक कर जाऊंगी, ठीक है। तो ऐसा ठीक है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। कितने हंसी, ओ कितने ऐसे लोटपोट होके हंस रहे हैं। ओह मैम की स्टोरी सुन ली, मैम को भी मार पड़ती थी, मजे ही आ गए हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। पूर्वा को तो बड़ी हंसी आ रही है, अंजलि को भी इतनी हंसी आ रही है। ओ भाई साहब चलो 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 चलो, बहुत हंस लिया अब तुम, बहुत हो गया, मैम की इतना मजाक उड़ा लिया तुमने। चलो 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 अब आगे चलते हैं चलो 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 शाबाश, चलते हैं ठीक है। तो खैर यहाँ पे इतना बहुत है इसके लिए, आगे चलते हैं। कुछ बच गया होगा तो आई विल कवर लेटर। आई थिंक आई हैव कवर्ड इट ऑल, मैंने कर दिया इसका कवर। सो फाइलम एनी, अल्लाह बताओ अब एनेलिडा आ गया। हाँ चलो भैया देख लेते हैं अब इसमें एनेलिडा, तुम देख ही लो इसमें कि क्या क्या है इसमें। तो ये क्या है, ये क्या है इसमें, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, जल्दी से बोल, लिख के बता दो मुझे। ये तो अर्थवॉर्म है, ये वो गंदी सी लीच, यही है यही है यही है वो, यही है यही है यही है वो। उफ कितनी खराब सी है ये। हाँ इसको क्या बोलते हैं, जब जो इसको बता देगा ना मैं उसके लिए गाना गा दूंगी यार। चलो एक, चलो बता दो इसको। केंचुआ हटो, केंचुआ तो अर्थवॉर्म होता है यार। कौन खजूरा, ज्योति यादव के लिए गाना होगा आज यहाँ पे। ज्योति यादव इज द विनर ऑफ द हाउस, यस। रूपश्री भी कह रही है, ठीक है। और चलो चलो बहुत बढ़िया, तो बहुत बढ़िया। कान खजूरा कहते हैं, मुझे भी यहाँ दिल्ली आके पता लगा कि इसको ये कहते हैं। हम पहाड़ों में तो उसको कुछ और कहते हैं चलो एनीवेज, तो ये मोस्टली फ्री लिविंग है, सिलेंड्रिकल बॉडी है, हमने कवर कर दिया। ऑर्गन लेवल ये भी हो गया, ये हमने नहीं लिखा था तो इसको देख लो अभी। काइटेनियस सीटी और पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। पैरापोडिया मतलब कि पॉड्स मतलब फीट, ठीक है। तो ये होता है। तो आई थिंक ये सारा कवर कर लिया हमने। तो मैंने इतने सुंदर सुंदर डायग्राम भी देख लिए, सुंदर सुंदर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। टेलीग्राम लिंक हाँ दे देंगे ना, रुको तक क्लास एंड तक दे देंगे, सॉरी। तो एनीवेज हाँ हाँ फाइलम एनेलिडा। तो बॉडी कंसिस्ट ऑफ, बॉडी में क्या क्या है बच्चे, बॉडी में आपका क्यूटिकल है, एपिडर्मिस है, मसल लेयर है इसका, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। तो आप जानते ही हैं डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होने का क्या मतलब है कि उसका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है दोनों तरफ से ओपन है, माउथ भी है एनस भी है। चलो चलो बड़े मजे कर लिए, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा, चलो आओ। तो बेटा ये कहता है डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट है। अब उसके बाद क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन मॉइस्ट स्किन एंड गिल्स के थ्रू होती है रेस्पिरेशन, ठीक है। क्लोज्ड सर्कुलेटरी आपने बात कर लिया इसके बारे में। एक्सक्रीशन बाय नेफ्रीडिया, एक्सक्रीशन किससे होती है, नेफ्रीडिया से होती है, ये भी बोल लिया हमने। नर्व रिंग, कल मैंने हाइड्रा वाली कहानी सुनाई थी ना, उसको चांटा मारो तो उसको 2 घंटे बाद अकल आती है कि अच्छा मुझे चांटा पड़ा है। तो अब ये धीरे धीरे ये थोड़ा डेवलप हो रहा है। अब नर्वस सिस्टम जो है थोड़ा थोड़ा अच्छा अभी ठीक हो रहा है, थोड़ा थोड़ा एनीवेज। तो नर्व रिंग है, ब्रेन विच वेंट्रल, ब्रेन विद वेंट्रल नर्व कॉर्ड, तो धीरे धीरे ब्रेन डेवलप हो रहा है। रिप्रोडक्शन है, सेक्शुअल। अर्थवॉर्म एंड लीच आर मोनोशियस, मोनोशियस का मैंने तुम्हें बता दिया, बाइसेक्सुअल्स हैं। बट नीरीज इज डायोशियस, तो बेटा यहाँ पे एक्सेप्शन आ गई, तो एक्सेप्शन के आने के चांसेस तो वैसे भी बढ़ जाते हैं पेपर में, ठीक है। तो एक्सेप्शन आ गई, तो इस एक्सेप्शन को नोट कर लेना, ठीक है। क्या बोला मैंने? नोट कर लेना, एक्सेप्शन के आने के चांसेस बहुत बढ़िया, बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत बढ़िया कह रही हूँ, ठीक है। तो देख लेते हो, देखो कितना सुंदर है, कितना सुंदर है, अच्छा लग रहा है ना देखने में, हैं। विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन, एक्सप्लेन योर क्वेश्चन बेटा, मम्मी आप अपना क्वेश्चन है, विच टाइप ऑफ सेगमेंटेशन मतलब क्या मतलब है आपका। मेंबर्स ऑफ एनेलिडा, अगेन वी हैव डिस्कस्ड, नीरीज सैंडवॉर्म, एफ्रोडाइट, सी माउस, फेरिटिमा पोस्थुमा, अर्थवॉर्म, लुम्ब्रिकस, यूरोपियन अर्थवॉर्म, नाम फैंसी, देखो देखो तो जरा जरा, यूरोपियन, हिरुडिनेरिया, लीच, पोंटो, डेला, स्केट सकर, ठीक है। बस याद रखना जो भी ये ब्लड सकर्स वगैरह होते हैं उनके हुक्स होते हैं, ठीक है ना, तो हुक से वो ब्लड सक करते रहते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ओ सॉरी ये तो अपना आर्थ्रोपोडा का है ना, तो आर्थ्रोपोडा यहाँ पे रह गया है हमारा, आर्थ्रोपोडा यहाँ से शुरू करते हैं। सो अब हम बात करते हैं बेटा awesome, attractive, attractive आर्थ्रोपोडा, फाइलम आर्थ्रोपोडा, ठीक है। सो फाइलम आर्थ्रोपोडा में सबसे पहला क्या है बेटा, एक्सोस्केलेटन इज ऑफ काइटिन, काइटिन कॉकरोच का जो एक्सोस्केलेटन है वो काइटिन का बना होता है, ये आपको पहले भी मैंने बताया है, ठीक है बेटा। लार्जेस्ट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, क्लास इंसेक्टा होती है उसमें, सबसे ज्यादा उसमें ऑर्गेनिज्म होता है, इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास। बॉडी इज डिवाइड इनटू हेड, थॉरिक्स एंड एब्डोमेन, बॉडी किसमें डिवाइडिंग है, हेड, थॉरिक्स और एब्डोमेन, बात खत्म, ठीक है। तो हेड होता है, थॉरिक्स होता है, एब्डोमेन होता है, ये देखो 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 है, तो बेसिकली ये इसका हेड पार्ट है, ये थॉरिक्स रीजन है इसका, ये वाला जहां से विंग्स इसके निकल रहे हैं, और ये इसका एब्डोमेन पार्ट है, आया तो सही मेरे पास, ये रहा ना हेड, ये थॉरिक्स पार्ट, ये थॉरिक्स, ये थॉरिक्स, ये हेड पार्ट हो गया, और ये इसका एब्डोमेन पार्ट हो गया, तो इसके तीन होते हैं। ये और भी बहुत सारे हैं, लुक एट दैट, इज लुकिंग एट यू, हैं, इसलिए हाँ सो क्यूट स्पाइडर मी है ना, कितना क्यूट है ये, लाइक यू गाइस, ठीक है। तो ये रहा आपका बेटा फाइलम आर्थ्रोपोडा का बेसिक इंट्रोडक्शन, एंड बाकी सब आप जान ही गए हैं, क्या जान गए हैं, दैट कि इसका बायलैटरल सिमेट्री होती है, ट्रूसिलोमेट्स हैं, ये हम बार बार रिपीट नहीं करेंगे बिकॉज वी ऑलरेडी हैव डन दैट, सो ये हमने कर लिया था। अब हम यहाँ पे आते हैं, सो बच्चे इसका कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट होता है, इट हैज़ अ कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक्ट। अगेन रेस्पिरेशन इज बाय गिल्स, बुक, लंग्स एंड ट्रैकिया। कृपया इसको नोट कर लें क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने के संभावना है। देखा 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 मेरी हिंदी इंप्रूव हो रही है, ठीक है। सो रेस्पिरेशन बाय गिल्स, बुक, लंग्स और ट्रैकिया। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, तो तुम ये नहीं समझना अभी, ठीक है, कि क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम जो है वो अर्थवॉर्म में आ गया तो अर्थवॉर्म के बाद भी सारे क्लोज होंगे ना, अभी नहीं है ऐसा, ठीक है। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है इसका विद डॉर्सल टिब्यूलर हार्ट, ठीक है। अब देखो धीरे धीरे ना ऑर्गेनोजेनेसिस होना शुरू हो गई है। एक्सक्रीशन बाय मालपिगियन टिब्यूल्स, एक्सक्रीशन किसके थ्रू है, मालपिगियन टिब्यूल्स के है। देखो जल्दी से एक मैं बड़ी इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, जल्दी से क्विकली हैंड गिव मी अ थम्स अप, बहुत इंपॉर्टेंट बात बोलने वाली हूँ, सुनना इसको ध्यान से। बताओ कितने लोग हैं, कितने लोग हैं यहाँ से, यहाँ पे कितने लोग हैं, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। Give me your chairs, buddy. Give me your chairs, buddy. Give me chairs. Okay. Let me see how many of you are here. Oh my God. बहुत ज़्यादा लोग हैं यहाँ पे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शाबाश। चलो ठीक है। वाह वाह वाह, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। Yeah. So I'm just trying to do the emoji. Okay. So like that. Anyways. सो इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट मैं बता रही हूँ आपको कि इसमें कौन से, और ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट कंप्लीट है इनकम्प्लीट है, नंबर वन। नंबर टू, मैंने आपको ये बताया कि इसमें कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स हैं। नंबर थ्री, मैंने आपको ये बताया कि रेस्पिरेशन के लिए कौन है। तो ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रही हूँ, इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको खुद टेबल बनाना है, जैसे हमने वो प्रिंस चार्मिंग चार्ल्स वाला बनाया था, उसको नोट करते जाना। जैसे ये खत्म होगा ना इनवर्टिब्रेट्स, हम एक टेबल बनाएंगे, जो हम खुद क्लास में खुद बनाएंगे, तो बना बनाया टेबल नहीं लेके आऊँगी मैं, हम खुद बनाएंगे, जिसमें हम एक्सक्रीटरी सिस्टम देखेंगे कि किस किस का क्या क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का क्या क्या है, ठीक है, उसके रेस्पिरेशन का क्या क्या है, एंड सो ऑन। तो आर यू रेडी फॉर दैट? टेल मी हियर, यस लिख के बता दो मुझे जल्दी से, क्विकली, जल्दी बता दो, क्विकली खुद बनाएंगे। बहुत बढ़िया। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आई जस्ट वॉन्ट अटेंशन ऑफ यू गाइज हियर। या सो एक्चुअली क्या है, खुद बनाने का एक रीज़न है, जो चीज़ तुम खुद हाथ से लिखते हो ना, उसको तुम भूलते नहीं हो। मैंने कल भी बताया तुम लोगों को, तुम खुद बनाएंगे, जब तुम्हारे हाथों के नीचे से खुद से निकल जाएगा ना वो मजाल, दुनिया की कोई फोर्स तुम्हें उसके दिमाग से निकाल के देख जाए तो बताना, ठीक है। चलो एनीवेज, तो नोट करते जाना इसको। एक्सक्रीशन बाय मालपिगियन ट्यूब्यूल, कॉकरोच की अगर बात करें तो, मतलब इंसेक्ट्स की बात करें तो, ग्रीन ग्लैंड्स और कॉक्सल ग्लैंड, अगर जैसे प्रॉन वगैरह की बात करें तो वहाँ पे ग्रीन ग्लैंड्स होता है, मतलब मरीन फॉर्म्स में, ठीक है, एंड कॉक्सल ग्लैंड तुम्हारा स्पाइडर वाइडर्स में। तो डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है बच्चे, डायोशियस, ये स्पेलिंग में थोड़ा एरर है, डायोशियस है ये। डायोशियस मतलब क्या? डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट, ये डायोशियस होता है। मोनोशियस, हाँ ठीक है, डायोशियस डिफरेंट होता है ना, हाँ ठीक है। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट और डायरेक्ट कहता है कि लार्वल फॉर्म हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है, ठीक है। चलो वेरी गुड, शाबाश। तो नोट कर लिया होगा तुमने ये। वैसे मैं तुम्हें ये बोलूँगी, अगर तुम अपने नोट्स लेके बैठे हो तो साथ के साथ में उसको ऐड करते जाओ, अगर तुम्हारे पास है। तुम्हारे पास नहीं है तो खुद बनाओ यहाँ पे, ठीक है, लेकिन लिखना ज़रूर है। अब एग्जाम्पल्स की हम बच्चे बात करते हैं, तो एग्जाम्पल्स में हम लोग देखें तो पैलेमॉन और जो भी है ना, कई लोग बहुत कुछ बोलते हैं उसको, प्रॉन, कैंसर है ना, क्रैब, सारे क्रस्टेशियंस हो गए, पैलमनियस, स्कॉर्पियन जो कि विविपैरस है, ये भी एक्सेप्शन है। तो जो आपको पता है कि जो एक्सेप्शन है उसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, तो ये विविपैरिटी है इसमें, तो इसको नोट करके रख लेना। क्या बोला? पैल, तुमको दिख रहा है क्या पूरा ये? मुझे आधा दिख रहा है, इधर से देखो तो ज़रा। स्क्रीन तो कट तो नहीं रही है? थोड़ी सी कट रही है ना ये, थोड़ी सी स्क्रीन। पैला है बेटा ये, PALA है ये, ठीक है ना, ये पैला PALA है, ठीक है। सॉरी हाँ, कल मैं इसको थोड़ा बस, हाँ थोड़ा सा देखेंगे इसको। अच्छा चलो कोई बात नहीं। ये एपीज है, APIS, पता नहीं अब मैं छेड़ूंगी तो पता नहीं क्या ही हो जाएगा, इससे अच्छा नहीं छेड़ते तो रहने देते हैं। एपीज है हनी बी, ठीक है, बॉम्बिक्स, सिल्क वॉर्म, लैसिफर, लैक इंसेक्ट जिसकी चूड़ियाँ भी बनती हैं, आपने देखा होगा। मॉस्किटोज में आ गया एनोफ्लीज, क्यूलेक्स, एडीज मॉस्किटोज, ये वेक्टर्स हैं आपके, तो क्लासिफिकेशन किया हुआ है। लिम्युलस, किंग क्रैब, लिविंग फॉसिल है आपका, ये भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं। इसमें स्टार लगा दिया मैंने, जिसमें स्टार लगाया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लोकस्टा, ग्रिगेरियस पेस्ट विच डिस्ट्रॉयज द क्रॉप, आपको पता है वो टिड्डी अटैक हुआ था ना अभी थोड़े दिन पहले, तो वैसे मतलब इस कैटेगरी के हैं वो। तो ये एनोफ्लीज है, तो तुम्हें पता ही लग गया होगा। ये लिम्यूलस है, LIMULUS, लिम्यूलस है, और ये जो कट गया है ये लोकस्टा है, तो यहाँ पे लिख रही हूँ उसको लोकस्टा, ठीक है, लोकस्टा, ठीक है, हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। हाँ, गिल्स और बुक गिल्स में बेटा क्या फर्क होता है? गिल्स नॉर्मल गिल्स हैं, बुक गिल्स जो बुक के पन्नों की तरह लगते हैं ना, ऐसे एक पन्ना, दूसरा पन्ना, तीसरा पन्ना, चौथा पन्ना, नाम ही बता रहा है उसका। तो ये डिस्ट्रॉय करते हैं। आप इससे सुंदर डायग्राम भी देख सकते हैं, लुक एट दैट हनी बी, यू नो, इसके जो एग्जाम्पल्स हैं। एनीवेज, तो इसमें एग्जाम्पल्स जो मैंने आपको हाईलाइट किए हैं वो आपने बिल्कुल नहीं छोड़ने हैं, उसको आपने पकड़ के रखना है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। वेट अ मिनट, ये नहीं चल रहा भाई, चलो भाई आगे, एक मिनट। हाँ अच्छा, हाँ, सो यह आता है आपका पहला क्वेश्चन, टू कॉमन फीचर्स फाउंड इन सेंटीपीड, कॉकरोच एंड क्रैब आर। दो ऐसे कॉमन फीचर बताओ जो ऑल इंडिया PMT 2006 में पूछा गया है। सेंटीपीड आपको पता ही है, सेंटीपीड इज अगेन द क्या कहते हैं उसको, ऑर्गेनिज्म फ्रॉम आर्थ्रोपोडा ओनली, सेंटीपीड। तो बताओ कौन सा आंसर होगा इसका? चलो बस जल्दी बताओ। So let us just see किसका आंसर सही है। और सही जवाब, बाकी बहुत सारे बच्चों ने सही जवाब दिया है जॉइंटेड लेग्स एंड काइटेनियस स्केलेटन। तो मैं आपको बता दूं बेटा, आर्थो वर्ड का मतलब ही होता है जॉइंटेड, पॉड का मतलब होता है फीट, तो आर्थ्रोपोडा मतलब बीट की जॉइंटेड फीट, ठीक है। सो यस, जॉइंटेड लेग्स एंड काइटेनियस एक्सोस्केलेटन। सो वाओ, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, शाबाश शाबाश। चलो आगे चलते हैं फाइलम मोलस्का। अब बात करते हैं फाइलम मोलस्का की। मोलस्का क्या है हमारा, क्या कहते हैं इसको, सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं इसको, इसको क्या कहते हैं, सॉफ्ट स्किन्ड एनिमल्स भी कहते हैं। तो देखो कितना बढ़िया डायग्राम है, आप इसमें बहुत सारी चीजें देख सकते हो, ठीक है ना। चलो लिख के बताओ सारे लोग, सबसे बेसिक एग्जाम्पल क्या है मोलस्का का, जल्दी बताओ। हाँ, सेकेंड लार्जेस्ट, वाह वेरी गुड दीक्षा, वेरी गुड, आई लाइक दैट। जल्दी बताओ। And Ritika Raj is the winner of the house. Okay, okay, okay. जल्दी और बताओ। ऑक्टोपस, ऑक्टोपस भी ठीक है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। पाइला कैसे, पाइला एग्जाम्पल है बट कॉमन थोड़ी है। ऑक्टोपस, यस। सो विनर ऑफ द हाउस इज ऑक्टोपस एंड स्नेल, ठीक है। ओबिलिया यहाँ कहाँ से आ गया बेटा, ओबिलिया तो सिलेंट्रेटा में रह गया, ओबिलिया नहीं है इधर, ठीक है। ऑक्टोपस, वेरी गुड, शाबाश। सो एनीवेज, वेरी गुड, शाबाश। चलो, सो बॉडी डिवाइडेड इनटू हेड, विसरल हम्प, ये देख रहे हो तुम, ये हम्प, ये वाला हम्प है, ठीक है। कवर्ड बाय मैंटल एंड वेंट्रल फुट। तो देखा स्नेल्स को, देखा स्नेल पता कैसे चलती है, यूं ऐसे, देखा ऐसे चलती है। मैं छोटे होते उसको मैं ऑब्जर्व कर देती थी दीवारों पे, बरसात के दिनों में बहुत आती है ना। और देखो किसने बना के भेज दी, तो ऐसे से चलती है, वैसे से ऐसे से। तो पता है उसका जो नीचे वाला पार्ट होता है ना, ऐसे से करने वाला, वो पता क्या होता है, उसका मस्कुलर फुट होता है, ठीक है। उसके जो ऊपर शेल होता है, तो इनको शेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं, ठीक है। सारे स्नेल भेजने लग गए मुझे यहाँ। मेंटल सिक्रीट द शेल विच इज कैल्सेरियस, जो कि कैल्शियम से बना होता है। गिल्स आर प्रेजेंट इन द मेंटल कैविटी, ये नोट करने वाली बात है, बिलो द मेंटल, मेंटल, ठीक है। हैव रेस्पिरेटरी एंड एक्सक्रीटरी फंक्शंस, जो किसके क्या फंक्शन होते हैं बेटा, रेस्पिरेटरी फंक्शन भी होता है और एक्सक्रीटरी फंक्शंस भी होते हैं, ठीक है। तो तुम देख सकते हो इसमें बहुत कुछ आपको बताया गया है। ये इसकी मेंटल कैविटी है, ये इसकी मेंटल कैविटी है, ठीक है। ये आप गिल्स भी इसके बिल्कुल साथ में देख सकते हो, देखो ना ये गिल्स, ये वाला, ये पत्ते जैसा दिख रहा है, ये गिल है इसका, ठीक है ना। नेफ्रीडियम यहाँ पे भी है, ये इसका सेल है, ये इसकी सिलोम है, बॉडी कैविटी है इसकी, ये गोनाड्स हैं इसके, ये इसका हार्ट है, ठीक है। अगेन मेंटल आ गई। ईसोफेगस, देखो मतलब कि इसमें डाइजेस्टिव सिस्टम की अब ग्रोथ होना शुरू हो गई है, ठीक है। रेड्यूला, ठीक है ना। सो एनीवेज, सो मेनी थिंग्स आर देयर, तो आप देख सकते हो उसको, फुट है। तो दीज आर द बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट फाइलम मोलस्का। हाँ चलो अब आगे चलते हैं, कीप नोटिंग इट डाउन। हेलो तुम्हारा आ गया। चलो फटाफट से मुझे बता दो कि ऑक्टोपस के कितनी वो होते हैं, जो भी कह लो, ये इसकी आर्म्स होती हैं, कितनी आर्म्स होती हैं इसकी, चलो बताओ, जल्दी बताओ, लिख के बता दो फटाफट से, जल्दी बता दो, क्विकली क्विकली, जल्दी। ओ तेरी, क्या बात क्या बात क्या बात है, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, वाह। 6 इज नॉट द राइट आंसर, 16 इज नॉट द राइट आंसर, 8 इज द राइट आंसर। सो 8 होते हैं इसके, सो 8 टेंटिकल्स होते हैं। तुम्हें पता है एक बात बताऊं, ऑक्टोपस को सिफेलोपोड के नाम से भी जाना जाता है। सिफेलो का मतलब है हेड, है ना, हेड को कहते हैं। पॉड का मतलब होता है फीट, की ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके हेड से ही फीट निकलते हैं, तो निकलते हैं ना, ऑक्टोपस के हेड से ही फीट निकलते हैं, इसलिए इसको हेड सिफेलोपॉड कहते हैं। सिफेलोपॉड मोलस्का, ठीक है। तो चलो आओ करते हैं, तो ये जो सबसे ऊपर वाली पहली लाइन लिखी हुई, इसको पढ़ो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये है तो है ही, आप क्या कर सकते हैं। चलो तो कहता है रेड्यूला बेटा, रेड्यूला कहता है काइटेनियस रैस्पिंग ऑर्गन इन द माउथ कैविटी, जो कि आपने पीछे भी देखा ना, रेड्यूला उसके वहां पे प्रेजेंट था। इट इज एब्सेंट इन बाइवैल्व्स, लाइक यूनियो में ये नहीं होता है, ठीक है। एक्सक्रीशन बाय मेटानेफ्रिडिया ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, याद कर लो, याद कर लो क्या, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस, इस पे बहुत बार क्वेश्चंस आए हुए हैं। क्या क्या ऑर्गन, रैस्पिंग ऑर्गन, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, ऑर्गन्स ऑफ बोजानस, मैडोनेफ्रीडिया बिलोंग्स टू मॉलस्का। भूलना नहीं है, ठीक है, भूलना नहीं है इसको, ठीक है, समझ में आया, इसलिए आपको बता दिया है मैंने, इसको भूलना नहीं है, ठीक है। सो ये हम जब टेबल बनाएंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यू गॉट दैट, ठीक है। एनीवेज ये भी डायोशियस है, फ्यू आर हर्माफ्रोडाइट, ठीक है ना, हर्माफ्रोडाइट है, और हर्माफ्रोडाइट का मतलब होता है दे आर बाइसेक्सुअल्स, मतलब कि एक ही बॉडी में दोनों ऑर्गन प्रेजेंट होगा, मेल भी फीमेल भी, ठीक है। चलो, फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल, ठीक है। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट, ऑक्टोपस में, इनडायरेक्ट स्नेल और ऑयस्टर में। इस पे भी क्वेश्चन बना, अगर मैं एग्जामिनर हूं तो मैं यहाँ से क्वेश्चन डाल दूंगी, ठीक है। थैंक यू मोहित रावत, थैंक यू सो मच, थैंक यू, आई गॉट दैट, या। सो एनीवेज, सो डेवलपमेंट, यहाँ से अगर मैं एग्जामिनर हूँ तो मैं तुम्हें क्वेश्चन डाल दूंगी यहाँ से, एक ही उसमें से दो टाइप के हैं कि डेवलपमेंट डायरेक्ट है ऑक्टोपस में और इनडायरेक्ट है इसमें। बहुत बढ़िया क्वेश्चन बनाने के लिए, तो ऐसे क्वेश्चन की तरफ ध्यान दें, एग्जामिनर की साइकोलॉजी समझने की कोशिश किया करो, ठीक है। लुक एट दैट, हम लोग गोवा गए सेकेंड ईयर में, हम लोग कॉलेज में थे, इतने खुश, गोवा जा रहे हैं पहली बार, इतने खुश। क्या हुआ मैं बताती हूँ, शॉर्टकट में स्टोरी सुनाती हूँ। क्या हुआ कि हम लोग ना मतलब बस से वहाँ तक तो खैर ट्रेन में गए थे और वहाँ पर पहुँचे बस में, और हम लोगों ने क्या किया, इतने शेल्स इकट्ठे कर लिए होटल में जहाँ पे रुके थे हम लोग, तो उस इन शेल्स में से रात को ना ऑर्गेनिज्म निकल आए, और होटल वालों ने इतना बवाल किया और हमारे टीचर्स को पता चल गया। और क्या हुआ, टीचर्स ने सुबह हम लोग चार दोस्त थे, मेरी चार फ्रेंड्स थे हम लोग, और हमें बीच बाउंड कर दिया। बीच बाउंड का मतलब क्या है मुझे भी याद, हम कोलावा बीच पे गए और हमें बीच बाउंड कर दिया, कि बीच पे लेके गए पर बीच पे आने नहीं दिया, मतलब पीछे खड़ा कर दिया। बहुत बुरा दिन था वो, टीचर्स को तो पता नहीं, हमने पता नहीं क्या कहीं बोला होगा मन में, मतलब ऐसे क्या हमारे साथ, सोचो यार, हमें क्या पता इसमें से ऑर्गेनिज्म निकल आते हैं यार रात को। हमने जाके पानी में डाल दिया उसको, बाथरूम में जाके बाल्टी लेके तो ऐसे हुआ यार, क्या करें, बीच बाउंड हो गए उस दिन, सारा दिन क्या करें बताओ। चलो ठीक है, एनीवेज, तो दैट इज अ स्टोरी, एक गोवा की हमारी स्टोरी थी ये। तो चलो आगे चलते हैं, तो ये हो गया बेटा, एग्जाम्पल्स पे चलते हैं। एग्जाम्पल सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है किसी भी फाइलम का, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो कितने मजे आ रहे हैं तुम्हें, हंस के पागल हो रहे हैं। अच्छा मैम को बीच बाउंड किया, अच्छा हमें तो खुशी हो रही सुन के, क्योंकि मैम को भी डांट पड़ती थी। चलो शॉर्ट ट्रिक बेटा, कितना तो बताया, शॉर्ट ट्रिक अभी बनाएंगे ना सारा कुछ, शॉर्ट ट्रिक वो तो तुम्हें मैंने बना के बता दिया, लेकिन तुम खुद भी तो बनाना सीखोगे ना, ठीक है। शॉर्ट ट्रिक बनाएंगे इसका, तो अभी पहले पढ़ो फिर शॉर्ट ट्रिक बनाते हैं इसका। अगली क्लास में सबसे पहले हम इसका टेबल बनाएंगे, तुम बनाओगे, मैं नहीं बनाऊंगी, ठीक है। मैं खाली मजे करूंगी, यहाँ पे खड़े होके तुम वहाँ पे आंसर लिखोगे, मैं वही यहाँ पे लिखूंगी। एनीवेज, पाइला इज एप्पल स्नेल, यूनियो इज फ्रेश वाटर मार्शल, एप्लीजिया सी हेयर, डेंटेलियम, हेयर मतलब खरगोश, डेंटेलियम एलिफेंट्स टस्क शेल, उसकी तरह दिखता है ये, कीटो प्लूरा काइटिन इसको कहते हैं, ऑक्टोपस को डेविल फिश कहते हैं, ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डेविल फिश कहते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस को कहते हैं हम लोग डेविल फिश। चलो आगे चलते हैं। चलो तो ये देख लो तुम, सुंदर सुंदर डायग्राम, कितना सुंदर डायग्राम है, देखो तो, वाह मजा आ गया देख के, ठीक है। हाँ चलो, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, एग्जाम में कंफ्यूज हो जाएंगे शॉर्ट ट्रिक्स में, इसीलिए तो तुम्हें बोला ना कि खुद बनाओ तुम। अब मैं नहीं बनाऊंगी ना, मैंने तो तुम्हें दे दिया वो शॉर्ट ट्रिक, वो पहले वाला जिसमें से एक्चुअली सबसे ज्यादा क्वेश्चन वहां से आते हैं, यहाँ से क्वेश्चन ठीक ही आते हैं मतलब, तो इसलिए मैं बता दूंगी तुम्हें कि कौन सा क्वेश्चन ज्यादा पूछा जाएगा। एनीवेज लुक एट दैट, हाउ ब्यूटिफुल। सो एनीवेज, एक्सक्लूसिवली मरीन, देखो जल्दी से लिख के बता दो मुझे कि कल जो हमने पढ़े उसमें से एक्सक्लूसिवली मरीन कौन सा था, कल जो हमने फाइलम पढ़े उसमें से एक्सक्लूसिवली मरीन कौन सा था, जल्दी से लिख के बता दो, चलो जल्दी क्विकली जल्दी लिख के बता दो, चलो आई एम वेटिंग Tinafura is the right answer. Soumya Ranjan Behera is the winner of the house. Wow, very good. Shabash. Tinafura is the right answer. ना प्लैटी एल्मिन थोड़ी है भाई, प्लैटी एल्मिन क्या बात कर रहे हो यार तुम, प्लैटी एल्मिन थोड़ी होएगा, है ना। सो टीनोफोरा एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था और देखो क्वेश्चन कितना सिंपल है। आइडेंटिफाई द एक्सक्लूसिव मरीन एनिमल्स फ्रॉम द फॉलोइंग ब्ला 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 टीनोफोरा एंड दिस इकाइनोडर्मा एंड दिस टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मा। तो सही आंसर क्या था? टीनोफोरा एंड इकाइनोडर्मेटा। लुक एट दैट, कितना ईजी क्वेश्चन है। यू गॉट दैट? एनीवेज, ड्यूटीरोस्टोमिक, ड्यूटीरोस्टोमिक है एंड इंटेरोसिलोमेट्स हैं। तो मुझे बेटा ये मैंने कल बताया तुमको, जल्दी से बता दो कि ड्यूटीरोस्टोम का क्या मतलब होता है, जल्दी बता दो, क्विकली लिख के बता दो ड्यूटीरोस्टोम का क्या मतलब होता है, जल्दी बता दो क्विकली। ड्यूटीरोस्टोम का क्या मतलब होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ क्विकली। ड्यूटीरोस्टोम का क्या मतलब होता है? माउथ से रिलेटेड है ये, माउथ से रिलेटेड है। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ ड्यूटीरोस्टोम का क्या मतलब होता है? माउथ रिलेटेड होता है। हाँ ठीक है, ठीक है। एंड वी हैव द विनर ऑफ द हाउस। कौन? मेघा। मेघा। सो मेघा सेज कि माउथ कम्स सेकंड। तो बेटा बोलता है कि माउथ कम्स सेकंड, तो माउथ कम्स सेकंड इज द राइट आंसर। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। तो पढ़ो इसको जरा। Can you hear me? Can you hear me? Sorry for that. Sorry for that. I'm really sorry. So yeah. So बेटा पहली बात हो गया कि ड्यूटीरोस्टोम्स मेगा इज आर मेगा आपके लिए गाना गाया जाएगा लेकिन एंड में, ठीक है? अभी नहीं, अभी नहीं। चलो तो बेटा देखो ये है आपका ये है आपका ड्यूटीरोस्टोम्स और एंटेरोसिलोम के एग्जाम्पल्स एक ही होते हैं, मैंने पहले ही बताया था आपको। चलो आगे चलते हैं। तो मेसोडर्मल एंडोस्केलेटन इन द फॉर्म ऑफ कैल्शियस ऑसिकल्स, याद रख लो। वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, ये इसका पेक्यूलर फीचर है। इस वाटर वैस्कुलर सिस्टम को ध्यान देना सब लोग, यहाँ पे ध्यान देना, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं, भूलना नहीं है इसको, एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम भी कहते हैं। चलो जल्दी से लिख लो इसको, जल्दी से लिख लो। एम्ब्यूलैक्रल सिस्टम वाटर वैस्कुलर सिस्टम का दूसरा नाम है, कभी कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तुम्हें बताएं, तुम्हें एक बात बताऊं, स्टारफिश की क्या बात होती है, स्टारफिश हैज़ द पावर ऑफ रीजनरेशन। सो जब अचानक से इस पर कोई अटैक कर देता है, मानो कि अटैक कर दे, तो यह करता है अपनी बाजू छोड़ के भाग जाती है, हैं? तो ऐसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? ऑटोटॉमी। क्या कहते हैं? ऑटोटॉमी। अपने ही बाजू को कट कर लिया। यू गॉट दैट? तो फटाफट से क्या बता? ऑटोटॉमी। ऑटोटॉमी कहते हैं कि अपनी ही बाजू को कट कर लिया ज़रूरत आने पर, ठीक है? जैसे छिपकली करती है ना, छिपकली को तुमने देखा होगा, लेजर्ड को तुम देखा कि वो पूछ छोड़ के भाग जाती है। जब मैं छोटी थी तो मुझे लगता था कि अरे यार कितना डरावना है यार ये। फिर देन ये लो, ले लो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है? देन मुझे लगा कि अच्छा ये है बेटा, ठीक है? तो खैर ये तुम देख सकते हो इसमें कि क्या क्या है, सब कुछ बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इसमें, तुम्हें जो पढ़ना चाहिए वही पढ़ना, ठीक है? इसमें पढ़ने के लिए तुम्हें कुछ नहीं है, बस तुम्हें देखना है कि कहाँ इसका स्टमक है, क्या है इसमें, ट्यूब फीट है इसमें, बस दैट्स इट। बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हें हर किसी चीज़ को इंपॉर्टेंट बोलूँगी, जो नहीं है इंपॉर्टेंट उसको इंपॉर्टेंट नहीं बोलूँगी, ठीक है? हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। ट्यूब फीट इन लोकोमोशन। सो ट्यूब फीट होते हैं बेटा लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, तुम्हें देख ही लिया पिछली स्लाइड में कि ट्यूब फीट क्या होते हैं, लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? कैचिंग द प्रे में, रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन में हेल्प करते हैं, ठीक है? एक्सक्रीटरी सिस्टम इज एब्सेंट, एक्सक्रीटरी सिस्टम इसमें कोई नहीं होता है, तो आपको ये ध्यान में रखना है। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम, नो ब्रेन, कोई ब्रेन नहीं होता इसमें, ठीक है? डायोशियस, डायोशियस होते हैं ये। डायोशियस का मतलब क्या है? दे आर यूनिसेक्सुअल्स। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन होती है एक्सटर्नल। डेवलपमेंट इज इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट कैसी होती है? इनडायरेक्ट, मतलब लार्वा होता है। क्या होता है? लार्वा होता है। तो यहाँ पे तुम देख सकते हो ये इसके ट्यूब फीट हैं, तुम ये भी देख सकते हो, और इसमें क्या है दिखाने वाला? कुछ है इम्पॉर्टेंट? ठीक है, मतलब बाकी तुम पढ़ लेना, बाकी इट्स गुड। ये बढ़िया है, ये इसको पढ़ लो। वाटर वैस्कुलर सिस्टम में क्या क्या है? ट्यूब फीट वाटर वैस्कुलर सिस्टम में है। रेडियल ट्यूब फीट वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, रेडियल कैनाल वाटर वैस्कुलर सिस्टम है, एम्पुला सेंट्रल कैनाल, ये सारे का सारा वाटर वैस्कुलर सिस्टम का पार्ट है। यही इंपॉर्टेंट है इसमें, बस ठीक है। एक एक्सेप्शन है इकाइनोडर्म्स की, मुझे लिख के बताओ जल्दी से कि कौन सी एक्सेप्शन है, अगर इसके लार्वा और एडल्ट फॉर्म को हम लोग कंपेयर करें तो। तभी तो डायरेक्ट है, तभी तो डेवलपमेंट इसकी इनडायरेक्ट है ना, क्योंकि लार्वा इसमें। तो क्या है इसके लार्वा की कौन सी सिमिट्री होती है? जल्दी बताओ। लार्वा वाह वाह क्या बात है, लार्वा की होती है, दिख रही कहती है मैम बाइलेटरल लार्वा, ठीक है। हाँ बिल्कुल, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, एग्जैक्टली। सो लार्वा की बाइलेटरल सिमिट्री होती है और एडल्ट फॉर्म की रेडियल सिमिट्री होती है। तो इसमें दूसरा कॉन्सेप्ट इवोल्यूशन का लगता है, जल्दी बताओ कौन सा कॉन्सेप्ट लगता है इवोल्यूशन का? कौन सा इवोल्यूशन है ये? प्रोग्रेसिव या रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है? जल्दी बताओ, क्विकली जल्दी बताओ, हाँ जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। प्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है या रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है ये? अनुश्री मालविया, वेरी गुड, राइट आंसर, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन। प्रोग्रेसिव इज नॉट द राइट आंसर, रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन इज द राइट आंसर। रेट्रोग्रेसिव मतलब पीछे हट गया। गुड गुड, हाँ तुमसे क्वेश्चन पूछते हैं तो अच्छा है, तुम्हारे डाउट क्लियर हो जाते हैं, है ना। चलो यही जरिया सही। तो बेटा बात ये है रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन होना। रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन का मतलब क्या है बेटा? दैट कि पीछे हट जाना। तो देखो बायलैटरल सिमेट्री जो है वो सुपीरियर है, रेडियल जो है वो इंफीरियर है, मतलब पीछे है, लेकिन इसने उल्टा ही शो कर दिया, है ना। ये ऑटोटॉमी वगैरह इसके लिए ना ये करता है, ये सब चीजें करता है। तो रेट्रोग्रेसिव इवोल्यूशन है, उल्टा चलता है ये, ठीक है। चलो बहुत है इतना तुम्हारे लिए, इतना ही। हमें सिलेक्टिव इन्फॉर्मेशन ही रखनी है यहाँ पे, हमें रिसर्च थोड़ी करनी है, हमें नीट क्लियर करना है। एग्जाम्पल्स पे आ जाते हैं। एग्जाम्पल्स बेटे, सो एस्टेरॉइडिया स्टारफिश है, जो कि वैसे तो एस्टीरियास कहते हैं इसको, इसकी क्लास है। सो लार्वा द फर्स्ट स्टेज इज बाइपिनेरिया। एक बार इसी के नाम से क्वेश्चन आया हुआ था कि लार्वा का नाम क्या है। तो लार्वा का नाम बेटा आपको देख लो यहाँ पे है, बाइपिनेरिया लार्वा है, ठीक है। फॉलोड बाय ब्रैकियोलेरिया स्टेज। तो ये थोड़ा ट्विस्टेड नाम है बट कुछ कर नहीं सकते, है तो है, ठीक है ना। तो इसको याद रखना। ऑटोटॉमी मैंने पहले ही बता दिया, सेल्फ म्यूटिलेशन, ठीक है ना, वो करते हैं, वन आर्म सेपरेट्स फ्रॉम द बॉडी। ऑफी यूरोडिया, ब्रिटल स्टार, एकाइनस, सी अर्चिन, कुकुमेरिया, सी कुकुम्बर, इसको हॉलोथ्यूरिया भी कहते हैं, एंटीडॉन, सी लिली, ठीक है। और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं बट आपके लिए इतने बहुत हैं, काफ़ी हैं इतने आपके लिए, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, सो दीज आर द ब्यूटिफुल ब्यूटिफुल पिक्चर्स, दे आर एक्चुअली ब्यूटिफुल, है ना, वो एक्चुअल में बढ़िया होते हैं। हाँ कुछ और तुम अपने इनपुट डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, तुम्हें कुछ और एग्जाम्पल्स आते हैं तो लिख के बता दो मुझे जल्दी से, मैं भी सीख जाऊंगी, हैं। चलो चलो शाबाश, जल्दी बताओ। चलो नेक्स्ट आता है फाइलम हेमिकॉर्डेटा। फाइलम हेमिकॉर्डेटा बेटा क्या है? एक्सक्लूसिवली मरीन। तो अभी तक हमारे कितने एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए? जल्दी से तीनों लिख के बता दो। तीन ही बता दिए मैंने तो, जल्दी से लिख के बता दो, शॉर्ट फॉर्म में लिख के बता दो चाहे उसका। क्या क्या ये भी एक्सक्लूसिवली मरीन हो गए? तो अभी तक हमने पिछले दो पढ़ लिए, तो कितने हो गए? एक दो तीन, तीन हो गए। कौन कौन सा? टीनोफोरा। चलो चेन बना दो, चेन बना दो फटाफट से। टीनोफोरा हो गया, हो गया। आगे टीनोफोरा के बाद कौन सा था? जल्दी जल्दी क्विक, जल्दी जल्दी। टीनोफोरा के बाद कौन सा था? टीनोफोरा ना, पॉरीफेरा नहीं था पूरा। टीनोफोरा के बाद कौन सा था? इकाइनोडर्मेटा, यस। एंड उसके बाद कौन सा है? हेमिकॉर्डेटा, थर्ड वन, यस। द चेन इज कंप्लीट। टीनोफोरा, इकाइनोडर्मेटा एंड हेमिकॉर्डेटा, तीनों एक्सक्लूसिवली मरीन है। तो मजाल यहाँ से क्वेश्चन आ जाए, हम गलत कर जाएं तो हम छोड़ेंगे नहीं इसको भी, ठीक है, तो उसको भी नहीं छोड़ेंगे। स्टोमोकॉर्ड एक्टोडर्मल, बट आपको पता है स्टोमोकॉर्ड मतलब कि फोरगट मिडगट को बोलते हैं, प्रॉक्टोडर्म एंड वो करके, ठीक है। तो स्ट्रक्चर इन बकल कैविटी मतलब माउथ से रिलेटेड होता है, स्टोम वर्ड इज ऑलवेज, तो इट इज अ स्ट्रक्चर इन द वर्ड। ड्यूटेरोस्टोमिक, आपको पता है ड्यूटेरोस्टोमिक का क्या मतलब है, माउथ केम्स सेकेंड, एनस केम्स फर्स्ट। एंटेरोसिलोमेट, ये क्या होता है मैंने बताया, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। रेस्पिरेशन बाय गिल्स, तो ये इसका डायग्राम है बलानोग्लॉसिस। मैं आपको एक बात बता देती हूँ इसके बारे में, देखो एक्चुअली क्या है, इसको पहले ना इसमें रखा गया था, कॉर्डेटा में रखा गया था, इसको प्रोटोकॉर्डेट्स भी कहते थे, कि मतलब कि शुरुआत के कॉर्डेट्स है, कि ऐसा लगता था कि इसमें बेटा ओके स्टोमोकॉर्ड जो है ना इसको नोटोकॉर्ड के साथ ना मतलब थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, बट ऐसा नहीं हुआ, ठीक है। ऐसा इसलिए नहीं हुआ क्योंकि नोटोकॉर्ड इज डिफरेंट, तो फिर बाद में इसको सेपरेट कर दिया गया, ठीक है। पहले ऐसा लगता था कि कॉर्डेट मतलब नोटोकॉर्ड जैसा है इसमें स्ट्रक्चर, बट बाद में इसको हटा दिया गया, ठीक है। अब इसलिए इसको हेमीकॉर्डेटा की नोटोकॉर्ड लाइक स्ट्रक्चर है, बट दैट इज नॉट द नोटोकॉर्ड, सो दैट इज व्हाई दे आर हेमीकॉर्डेटा। हाय सविता, हाय, ठीक है, ध्यान दो, पढ़ने पे ध्यान दो, मैम यही है, ठीक है। चलो टंगवर्म भी कहते हैं, यस यू आर एग्जैक्टली करेक्ट। सो अगर हम लोग देखें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बेटा क्या होता है, जहां पे ब्लड इज नॉट फ्लोइंग इन द ब्लड वेसल्स, कोई आर्टरी नहीं है, कोई वेन नहीं, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। प्रोबोसिस है इसका, प्रोबोसिस इज लाइक द मेन पार्ट, इसका कॉलर है। वैसे उसमें बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन आपको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, आपको क्या पढ़ना है वो मैं आपको बता देती हूँ, फिर भी आप इसका डायग्राम जरूर देख लो एक बार, ठीक है, जो आपके लिए जरूरी है हम लोग वही पढ़ेंगे यहाँ पे। एक्सक्रीशन, प्रोबोसिस ग्लैंड क्या है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक्सक्रीटरी ऑर्गन का पार्ट है। सो एक्सक्रीशन आप देख लो बच्चे, ये क्या है, प्रोबोसिस ग्लैंड के थ्रू है। आजा यार, अब आएगा। प्रोबोसिस है, डायोशिस है मतलब यूनिसेक्सुअल है, सेक्सेस आर सेपरेट, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन है, इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। टॉर्नेरिया लार्वा, लार्वा के नाम होते हैं ना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, इसलिए पूछे जाते हैं बार बार ये। तो मैं आपको इतना बता दूं कि जो भी इन स्लाइड्स पे लिखा हुआ है, मेरी बात ध्यान से सुनना, जो भी इन स्लाइड्स पे लिखा हुआ है ना उसको बिल्कुल नहीं छोड़ना है तुमने, उसको क्या करना है, उसको खा जाना है बस तुमने क्या करना है, खा जाओ बस उसको, ठीक है, उसको नहीं छोड़ना तुमने। हाँ, तो एग्जाम्पल्स है इसके बल्लानोग्लॉसिस जो कि टंग वर्म है, एकॉर्न वर्म के नाम से भी जाना जाता है इसको, एक एग्जाम्पल बहुत है इसका, इसके अलावा इस पर और कोई क्वेश्चन देखा नहीं गया ज़्यादा, ठीक है। तो जो जहाँ से क्वेश्चन आता है, या तो इसके लार्वा पे क्वेश्चन आता है ज़्यादातर, इसके एक्सक्रीशन पे क्वेश्चन आ गया, या इसके एग्जाम्पल के बेसिस पे क्वेश्चन आ गया, ठीक है। ज़्यादा क्वेश्चन कोई देखा नहीं गया है तो हम इस पर ज़्यादा डिस्कस नहीं करेंगे। चलो आगे, टॉर्नेरिया लार्वा इज दिस, यू कैन सी दैट दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। तुम बोलो मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, मैम ये क्या है, मैं बोलूँगी चलो मैं कर देती हूँ एक्सप्लेन, लेकिन तुम्हें बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हम कोई रिसर्च पेपर थोड़ी लिख रहे हैं यहाँ पे, हमको क्लियर करना है नीट, तो हमने वही पढ़ना है जिनमें से कोई टॉपिक्स में से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। चलो, एन इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ द हेमीकॉर्डेट शेयर विद द कॉर्डेट्स इज, चलो नीट 2017 में, चलो जल्दी जल्दी से बता दो इसका आंसर, जल्दी से बता दो इसका आंसर क्विकली। हैप्पी धनतेरस मैम, थैंक यू सो मच, यू टू। कल थी यार धनतेरस तो, मेरे ख्याल में पता ही नहीं चल रहा है ना। एंट किस फाइलम में आता है, लक्ष्य एंट आता है बेटा उसमें, आर्थ्रोपोडा में। सो वी हैव द राइट आंसर सी। अरे शेयर बोला ना, एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड कैसे हो सकता है, ए थोड़ी। सी इज अ फेरिक्स विद द गिल स्लिट्स, ठीक है, फेरिक्स विद द गिल स्लिट बेटा, ए कैसे हो गया इसका आंसर, एब्सेंस थोड़ी है, कॉर्डेट्स में तो प्रेजेंट होती है नोटोकॉर्ड, डिफरेंस थोड़ी पूछ रहा है, क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। एन इम्पॉर्टेंट फीचर दैट हेमीकॉर्डेट शेयर विद, मतलब कि सेम है, दोनों का सेम है, क्या बोला, सेम है, ठीक है। एब्सेंस नोटोकॉर्ड तो प्रेजेंट है कॉर्डेट में, पहला कैसे आंसर हो गया, ठीक है। सो क्या है, फेरिक्स विद गिल स्लिट्स, ठीक है ना, सी, यस एग्जैक्टली, सी इज द राइट आंसर। कोई बात नहीं अगर गलत भी हो गया तो क्या है, इसलिए तो बैठे हैं हम लोग, आता होता सही होते सब तो थोड़ी, तो थोड़ा बैठते हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। चले तो अभी गलत नहीं करना, लेकिन फिर गलती हो जाएगी, ठीक है। चलें आगे चलें। सो फाइलम कॉर्डेटा, इसकी हम सिर्फ इंट्रोडक्शन करेंगे, इसको हम शुरू करेंगे अगली क्लास में. सो जस्ट 2 मिनट्स आर देयर, सो वी आर गोइंग टू सम अप दिस. हम इसको सम अप करेंगे, कैसे करेंगे देखो जरा. तो हमारा सबसे पहला है कि पहला 4 हॉलमार्क फीचर, तो 4 हॉलमार्क फीचर की अगर हम बात करें तो पहला फीचर क्या है, नोटोकॉर्ड. तो मैंने आपको पहले भी उस दिन भी बताया था कैसे प्रेजेंट होता है ये नोटोकॉर्ड, कि सपोज दिस इज द नोटोकॉर्ड, इसके ऊपर क्या रहती है, देखो पेन भी सेम वही पड़ा है यहाँ पे. सो ये तुम्हारा ब्रेन बनाएगी, ये ब्रेन बनाएगी, ये तुम्हारी बैकबोन बनाएगी, ठीक है ना. सो इट इज लाइक दैट, दिस इज ब्रेन, हाँ ऐसे ब्रेन बनाएगी, ये नोटोकॉर्ड बनाएगा. तो एक्चुअल में होता क्या है, सो ये नोटोकॉर्ड जो होती है ये पहले नीचे प्रेजेंट होती है, मतलब नीचे देखो यहाँ पे भी देखो नीचे, और इसके ऊपर जो प्रेजेंट होगी ऐसे करके, इसके ऐसे करके जो प्रेजेंट होगी वो रहेगी आपकी डॉर्सल नर्व कॉर्ड, ठीक है, जो कि यहाँ पे है. अब हुआ क्या, धीरे धीरे डेवलप होते होते, हमारी बात कर रही हूँ मैं, हमारी, ठीक है ना. वैसे तो प्रीवियस ऑर्गेनिजम्स में ऐसे ही चल रहा है जो पहले वाले थे, पहले वाले कॉर्डेट्स थे, धीरे धीरे इवोल्यूशन होने लगी ना ऐसे. अब तुम बड़े हो रहे हो, अब तुम 6ठी क्लास से 8वीं में पहुँच गए, पहले तुम नर्सरी में थे, 8वीं में हो गए, अब तुम 12th में हो गए, ठीक है. तो तुम बढ़िया पेंटिंग बनाओगे ना, अब तो बढ़िया पेंटिंग में तुमने क्या किया, नोटोकॉर्ड को ऐसे करके हॉलो कर दिया, और अब नोटोकॉर्ड, अब नाउ दिस इज द नोटोकॉर्ड, अब ये आपकी नोटोकॉर्ड है, इसके अंदर में से आपकी नर्व कॉर्ड जो है ऐसे करके निकल रही है. सो दिस इज लाइक दिस. अब ये जो है आपका ये ब्रेन बनाएगी यहाँ पे, और वर्टिब्रल कॉलम बना देगी नोटोकॉर्ड, ठीक है. चलो ये आपको क्लियर हो जाना चाहिए अभी. सो दैट्स व्हाट इट इज सेइंग हियर, नर्व कॉर्ड इज सिंगल डॉर्सल हॉलो अबव द नोटोकॉर्ड, जो मैंने आपको बता दिया ऑरेंज कलर में जो था. लेटरल पेयर्ड फेरिंजल गिल्सलेट्स, जो कि शेयर करता है ये पिछले उसके साथ में, हेमिकॉर्डेट्स के साथ में. पोस्ट एनल टेल, ये चारों फीचर जो हैं बेटा हॉलमार्क फीचर्स हैं फाइलम कॉर्डेटा के, और आप इसको यहाँ पे भी देख सकते हो. देखो ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो कि ऊपर है, डॉर्सल नर्व कॉर्ड है जो कि ऊपर है, ये वाली है, अगर आपको नहीं भी दिख रही है तो ये डॉर्सल नर्व कॉर्ड है, ये वाली मैंने बना दी, ठीक है, रेड कलर से फिल कर दिया. इसके नीचे आपकी ब्लैक कलर की ये जो मैं बना रही हूँ ये आपकी नोटोकॉर्ड है, तो आपको समझ में आ गया होगा अभी. तो नीचे प्रेजेंट है नोटोकॉर्ड, ऊपर प्रेजेंट है हॉलो नर्व कॉर्ड, और ये इसके है, ठीक है. चले तो ये हो गया हमारा. अब नेक्स्ट से हम लोग शुरू करेंगे, कॉर्डेटा को ही उठाएंगे, और कॉर्डेटा में देखेंगे कि सिफेलो कॉर्डेट्स है, फिर यूरो कॉर्डेट्स है, एंड यू नो हाउ दे गॉट कन्वर्टेड इनटू वर्टिब्रेट्स. सो गुड जॉब एवरीबॉडी, तालियां सबके लिए, बहुत बढ़िया. पहले वेरी गुड शाबाश, वेरी गुड पार्टिसिपेशन. हाँ 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 बिल्कुल ना, बिल्कुल हम गाएंगे अपने 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 विनर्स के लिए सॉन्ग. या 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 बिल्कुल बिल्कुल, हमारे सिंगर्स कह रहे हैं. तुम में से कौन कौन सिंगर है पहले मुझे यहाँ लिख के बता दो जल्दी, क्विकली कौन कौन सिंगर है जल्दी. और तुमने लाइक किया है इसको, जल्दी अभी फटाफट से लाइक कर दो इसको, जल्दी क्विकली लाइक कर दो, गाना तभी आएगा. क्विकली लाइक करो. कौन सिंगर है? मी ओके. अपना ही साया देख के तुम जाने जा घबरा गए. ओ अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. तुम्हारे लिए गाना ये 11वीं वालों. हो अभी तो ये पहली मंजिल है, तुम तो अभी से घबरा गए. मेरा क्या होगा सोचो तो जरा, हाय ऐसे ना है मरा कीजिए. तो फिर क्या करा कीजिए, पढ़ा कीजिए, ठीक है, पढ़ा करो, आहें मत भरा करो, ठीक है. मेरा क्या होगा, पता नहीं मेरा नीट क्लियर होगा. अरे होगा ना, तुम मेहनत करोगे तो सब होगा. गुड जॉब एवरीबॉडी. मज़ा आ गया, मज़ा आ गया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया. चलो शाबाश, क्या बात, बहुत बढ़िया. आज हमने बहुत कुछ सीखा है. कल का लेक्चर बिल्कुल नहीं छोड़ना है, क्योंकि कल हम रिवाइज करेंगे, हम टेबल बनाएंगे जिसमें कि तुम बताओगे और मैं बनाऊंगी। यहाँ पे तो हम देखेंगे कि शॉर्टकट कैसे बनाया जाता है। ठीक है, तो चलो तालियां आप सबके लिए। Thank you very much for being here today. My name is Meenakshi Sharma. Don't forget to like and share the session. We will keep meeting and rocking and learning. Okay? So bye. God bless you all. Bye bye. Bye bye everybody. Bye. Bye.